अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? खैरियत से हैं? हमारी एक्सरसाइज 8C चल रही थी, उस आपका बुक का पेज नंबर है 130। इसमें हमने 5 सवाल करा दिए थे, अब इसके मज़ीद आगे सवाल आप करवा देता हूँ। इसका 6 है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, तो ऐसा जब कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? मुश्किल आपको इंशाल्लाह नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई इशू ना रहे। और अब भी अगर समझ में नहीं आ रही आप लोगों के, तो आप जो है स्कूल में आके, किसी भी टाइम पे स्कूल में आके हमसे समझ सकते हैं। यहीं पे हम लोग होते हैं, सारे जो भी सब्जेक्ट है आपका, आप स्कूल आके समझ लें कि जो भी कंसर्न आपका टीचर है उससे आप आके समझ लें कि हमें ये फला चीज़ समझ में नहीं आ रही, या हमें सॉल्व करवा दें, तो इंशाल्लाह आपको सॉल्व करा दी जाएगी, ठीक है? सुबह 8 बजे से 2 बजे तक तमाम टीचर्स आपके स्कूल में अवेलेबल हैं। जो भी आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप उनसे आके समझ लें, ठीक है? बहरहाल मैं ये आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूँ। एक्सरसाइज है हमारी 8C चल रही है, ठीक है? सिंपल, सबसे पहले इनर ब्रैकेट जो है, स्मॉल ब्रैकेट जो है, वो हम सॉल्व करेंगे, तो बाकी सारे नंबर हम एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है? एज इट इज़ रहने दिया हमने। 5a-3 मिडिल ब्रैकेट b-2। अब ये देखें, मैं -2 पे रुक गया, क्योंकि यहाँ देखें स्मॉल इनर मोस्ट ब्रैकेट जो है, इनर मोस्ट ब्रैकेट जो है वो क्या है, a-b। तो a-b हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, a और b को आपस में ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2b हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया हमने। अब बाकी 2 ब्रैकेट रह गए, एक मिडिल ब्रैकेट और एक आउटरमोस्ट ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, 7a-4b एज इट इज़ आ गया, इस पे भी हमने कोई काम नहीं किया, इसको भी ऐसे लिख लिया, -3 इसको भी ऐसे लिख लिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर देखें, यहाँ पे b है और एक b ये है, और दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, तो 1b and 2b इज इक्वल टू 3b, दोनों प्लस के थे तो साइन प्लस की आएगी, आखिर में क्या बचा, -2a, ये हमने कर लिया। अब ये देखें, ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। कैसे ओपन करेंगे, 7a-4b-5a, अब माइनस प्लस माइनस, 3 3 9, 9 भी हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, 6a हो गया, ब्रैकेट ख़त्म हो गया हमारा। अब इन आउटर मोस्ट ब्रैकेट बचा है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 7a-4b-, अब इनको सॉल्व करें, यहाँ पे 5a प्लस का है और यहाँ 6a प्लस का है, तो 5 और 6 कितने हो गए, 11 प्लस के a, और आखिर में क्या बचा, -9b। अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि a और b आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे, तो हम इनका ब्रैकेट खोल लेंगे। अब देखें, पहले तो यहाँ नंबर थे, तो हमने नंबरों से मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ नंबर कोई नहीं है, डायरेक्ट माइनस की साइन है, तो हम डायरेक्ट माइनस की साइन से कर देंगे, माइनस प्लस माइनस 11a, माइनस माइनस प्लस 9b, ये हमारा ब्रैकेट हट गया। अब a वाले सारे एक साथ कर लें, 7a-11a-4b+9b। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, यहाँ पे मैं आपको सॉरी रफ में करके दिखा देता हूँ, 11 माइनस का है और 7 प्लस का है, तो मैंने आपको क्या कहा था, अलग अलग साइन होगी तो हमेशा माइनस होगा, 11 में से 7 गए 4, साइन किसकी आएगी, जिसका नंबर बड़ा है, माइनस का नंबर बड़ा है ना, माइनस का 11 है और प्लस का 7 है, तो माइनस की साइन आ जाएगी, क्या आ गया आंसर, -4, ए इसके साथ लगा हुआ था, ए लगा देंगे। अब ये करें, +9b-4b, अब अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 4 गए और 9 में से 4 गए, 5b,
साइन किसकी आएगी? प्लस की, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, 5p। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में सॉल्व कर देता हूं आपका। क्या है, ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए माइनस मिडिल ब्रैकेट बी माइनस इनर ब्रैकेट सी माइनस ए माइनस बार ब्रैकेट ए माइनस बी, ये हमारे ब्रैकेट सारे बंद हो गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व? अच्छा जी, ये हमारा काम कैसे होगा कि ये वाला सवाल हमारा कैसे सॉल्व होगा कि हम क्या करेंगे, पहले बार ब्रैकेट खोलेंगे, ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए माइनस मिडिल ब्रैकेट बी माइनस सी माइनस ए। ये ए भी है मिडिल ब्रैकेट में, तो ये ना प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए माइनस बी माइनस, अब ये देखें ये माइनस का ए है ये माइनस का ए है, ये मैंने आपको बताया था माइनस का 1a है और ये माइनस का 1a है, तो माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाएंगे, प्लस 2a हो जाएगा। साइन किसकी आएगी, माइनस की, तो ये हो गया माइनस 2a और ये 2a हो गया और ये प्लस का c बचा और यहाँ पे प्लस का b बच गया। अब ये और सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसका ब्रैकेट खोल लेंगे, माइनस b माइनस c प्लस a माइनस b, अब इनको मल्टीप्लाई कर ले, माइनस प्लस माइनस 2a माइनस प्लस माइनस c माइनस प्लस माइनस b, ये हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लें, a माइनस b माइनस c प्लस a माइनस, अब ये भी b है ये भी b है, ये प्लस का b है ये माइनस का b है, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, कट गए। आखिर अंदर क्या बचा, माइनस 2a माइनस c। अब इसको सॉल्व कर लें, या आगे नहीं होता तो इसको ब्रैकेट ओपन कर लें, ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए माइनस माइनस प्लस 2a माइनस माइनस प्लस सी, ये ब्रैकेट हल हो गया। अब इस ब्रैकेट में देखें क्या क्या है हमारे पास, b है, b कोई और नहीं है, b ऐसे ही आ जाएगा, ये प्लस का c है, ओ माइनस का c 1c है और ये प्लस का 1c है, ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये प्लस का a 1a है और ये प्लस का 2a है, तो ये प्लस का 3a हो जाएगा। अभी और सॉल्व नहीं हो रहा, इसको ब्रैकेट खोल लें, माइनस प्लस माइनस b माइनस प्लस माइनस 3a, अब ये माइनस का 3 है ये प्लस का 1a, तो 3 में से 1 गए 2 बचे, नंबर माइनस का बड़ा था तो माइनस 2a माइनस b, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 7 सवाल हो गए, इसके 3 सवाल रह गए, वो मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बता दूंगा, तो ये हमारी एक्सरसाइज 8c कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि अब आप लोग ये एक्सरसाइज कर लेंगे आराम से, अब भी समझ में नहीं आए तो आप आके टीचर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।